Hey guys, हम सभी जानते हैं कि पजल सॉल्व करने से हमारा माइंड शार्प होता है। अब देखना ये है कि आपका माइंड कितना शार्प है। आपकी स्क्रीन पर एक पजल दी हुई है। इस पजल को आपको सॉल्व करना है और इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 15 सेकेंड है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गाइज, आपको ये पजल सॉल्व करने के लिए दी गई थी। दोस्तों, इस पजल का सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसी भी पजल को सॉल्व करने का 100% सही तरीका क्या होता है, यानी कि कैसे हम विदाउट एनी मिस्टेक किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस पजल का सोल्यूशन। गाइज, किसी भी पजल को सॉल्व करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पजल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि पजल में जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट पैटर्न आपको राइट आंसर तक ले जाएगा। तो देखते हैं कि इस पजल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप इस यहाँ ध्यान से देखें तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे कि अगर हम पहले वाले नंबर के पहले डिजिट को सेकेंड वाले नंबर के साथ लिख दें तो हमें आंसर मिल जाता है। यहाँ भी देखते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। 13 का पहला नंबर क्या है? 1। 1 को अगर हम 6 के साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा? 16 मिल जाएगा। इसी तरह 8 को अगर हम 2 के साथ लिख दें तो 82 मिल जाएगा। ऊपर की तीनों जो नंबर्स इक्वेशन दी हुई हैं उनमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि 4th इक्वेशन में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 69, यानी इस पजल का आंसर हो जाएगा 69। अब देखते हैं कि सेकेंड पजल क्या है। जो आपको सेकंड पजल दी गई थी वो ये थी। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, इस पजल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि हम 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 8 मिल जाता है। इसी तरह अगर 8 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है? 16 मिल जाता है। देखते हैं कि सेकंड वाले में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। और इसी तरह 10 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। यानी कि यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24। इस पजल का आंसर होगा 24। जिन लोगों का आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं थर्ड पजल, क्योंकि थर्ड पजल थोड़ी डिफिकल्ट है। अब देखते हैं कि कितने लोग उसका सही आंसर निकाल पाते हैं। हमारी थर्ड पजल थी वो ये थी। अब देखते हैं कि इस पजल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है 1 + 4 = 5। तो हमें पता है 1 + 4 = 5 तो होता ही है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट लिखा हुआ 2 + 5 = 12। 2 + 5 = 7 होता है, 12 नहीं होता, यानी कि यहाँ एडिशन का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? हम 5 और 2 की हेल्प से 12 कैसे ला सकते हैं? यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10। 10 + 2 कर दें तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी सेकेंड नंबर का हम फर्स्ट नंबर में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे हम फर्स्ट नंबर के साथ फिर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर
आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही कर सकते, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, प्लस 1 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी सेकेंड नंबर का हमें फर्स्ट नंबर में पहले मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी उसका हमें फर्स्ट नंबर में फिर से एडिशन कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18, और 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी ऊपर के तीनों नंबर्स में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो फोर्थ में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 और 8 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 88। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे पहले नंबर से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96। यानी कि यहाँ का जो आंसर होगा वो 96 हो जाएगा, इस पजल का आंसर 96 हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर निकाल के कमेंट करके बताइए कि इस पजल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। अगर आप नहीं निकाल पाते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस पजल को सॉल्व करने का सेकंड तरीका कौन सा है। अब देखते हैं कि फोर्थ पजल कौन सी है। गाइज, जो आपको पजल दी हुई थी उसमें आपको ये दिया हुआ था कि 8 times 8 दिए हुए हैं और कैसे भी करके हमें आंसर क्या लाना है, 1000 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पहले 8 को 5 times लिख लेना है, फिर आप यहाँ 2 8 लिख लेंगे और यहाँ 1 8 लिख लेंगे और इन्हीं सबको ऐड कर देंगे। देखिए 8 5 times ऐड हो रहे हैं तो 8 5 कितना होता है, 14, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, यहाँ 4 लिख देते हैं। 8 8 16 होता है और 16 4 20 होता है, तो 0 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और 8 plus 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ गया 1000। ऐसे आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पजल का लेवल होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, अब देखेंगे कि उस पजल को कौन कौन लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।